हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया, अभी बज रहे। सुबह के 9:30 या 10 बज रहे होंगे। घर का सारा काम हो चुका है, जो कि मैं वीडियो में आगे ऐड कर दूंगी कि मैंने क्या क्या काम किया है और कैसे किया है। तो फ्रेंड्स अभी आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, तो उसके लिए मुझे शॉपिंग भी करनी है। मुझे क्या क्या शॉपिंग करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बहन यहाँ पे नहीं रहती हैं, वो गांव में रहती हैं, तो कभी कभी आने का मौका नहीं मिल पाता उन्हें, और हम लोगों को भी यहाँ से जाने का मौका नहीं मिल पाता। इसलिए अब की बार क्या हुआ है कि जो मेरे हस्बैंड की बुआ जी, उनकी लड़की यानी कि मेरी ननद और मेरे हस्बैंड की बहन आई हुई है यहाँ पे, तो सोच रहे हैं उनके लिए कपड़े लाऊं एक जोड़ी। वैसे तो हमने उनको दिलवाए हैं, लेकिन जो रक्षाबंधन जो राखी बांधेंगे ना, उनका जो गिफ्ट देते हैं ना, वो गिफ्ट लेकर आए, गिफ्ट में कपड़े लेकर आए, तो उसके लिए हम लोग जाने वाले हैं मार्केट में, जहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े और बहुत सस्ते भी मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं। तो अगर आप लोगों को भी वो मार्केट देखनी है तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किया। बहुत अच्छी मार्केट है आपको सूरत में यहाँ पर, और मुझे मिले हैं सिर्फ 500 रुपये खर्चा करने के लिए। अपने लिए क्या क्या खरीद दूँगी मैं 500 रुपये में, मुझे कुछ समझ नहीं पड़ रहा, तो मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है 500 रुपये में, और सोच रही हूँ सब कुछ हो जाए 500 रुपये में। मतलब मेरे लिए पर्सनल 500 रुपये अलग हैं और उनके लिए अलग है, तो वही मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि क्या क्या ख़रीदा है। और कुछ नहीं, बस रक्षाबंधन आने वाला है, 22 तारीख का आज है, हो गई है 6 तारीख, तो बस रक्षाबंधन आ जाए फिर हम लोग कहीं जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले वो मैं अभी मुझे नहीं पता है, हम लोग सोचेंगे कहाँ घूमने के लिए जाएं, और वैसे टाइम नहीं मिलता है। तो आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, आप करते नहीं हो, और बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। पता है कौन कौन से ब्लॉग आने वाले हैं? जैसे कि येलो फूड चैलेंज, हमको 24 घंटे करना, 24 घंटे में मैं जो भी खाऊं तो मुझे पीले कलर की चीज़ खानी है, 24 घंटे में कुछ भी खाऊं, खाना, रोटी, सब्जी, कोई भी ड्रिंक पियो तो पीले कलर की पीनी है मुझे, ठीक है। और तो अगर हम रेड कलर का चैलेंज करते तो हमको रेड कलर का खाना खाना, रेड कलर का जूस पीना है, ऐसे रेड कलर की आइसक्रीम खानी, जो कुछ भी खाए तो रेड कलर की। और वही एक चैलेंज का जो वीडियो है वही लाने वाली हूँ। तो आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, प्लीज़ आप करते नहीं, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपनी फैमिली दोस्तों के साथ, ठीक है। बहुत ही अच्छे चैलेंजिंग वीडियो आने वाले हैं, और क्या क्या वीडियो लाने वाले पता आपको? अभी मैं आपको बता देती हूँ, बताऊँगी तो सबको पता चल जाएगा। नहीं, बस इतना ही बहुत है, जितना बताया उतना बहुत है, और कौन कौन से वीडियो लाने वाली हूँ वो मैं अभी नहीं बताने वाली हूँ आपका, वो उसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो को ला ज़्यादा बड़ा नहीं करते, आज का वीडियो इतना ही है, हम शॉपिंग करने जाएंगे, उसका वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे, तो तब तक। तो फ्रेंड अभी मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ, और अभी हो रहा है टाइम, सुबह की बज रहे हैं 9, तो पहले मैं बेड का जो चादर है वो सही कर देती हूँ, और उसके बाद हम करेंगे बाकी काम। सुबह का यही सबसे पहला काम होता है, मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ, बाकी का काम मैं बाद में ही करती हूँ। तो चादर वद्दर, क्योंकि यहाँ पर सर्दी जैसा मौसम है, तो सर्दी थोड़ा मौसम ही है, क्योंकि बरसात तो हो नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे गर्मी भी नहीं है। अगर हम पंखा चलाते हैं तो हमको चद्दर ओढ़नी पड़ती है, इतनी सर्दी जैसी लगती है, तो हम अच्छे से फटकार देते हैं चद्दर को और बिछा देते हैं। और ये चद्दर हमारा थोड़ा सा फट गया है, लेकिन फिर भी हम इसे चला रहे हैं, जब हम मार्केट जाएँगे दूसरा वाला लेकर आएँगे तब अच्छा। अभी थोड़ी इस तरह की परिस्थितियाँ चल रही हैं घर में कि हम ऐसा नहीं कि जब हमारा मन करे तभी हम ख़रीद लें कुछ भी, ऐसा नहीं है अभी। तो अभी हम इसी चद्दर से काम चला रहे हैं। अब जो हम सोच रहे हैं जब हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे अगर थोड़ा सस्ता सा मिल जाएगा तो मैं लेकर आ जाऊँगी, अगर मिल गया तो, और फिर देखती हूँ होता क्या है। तो कल पैसे लेकर आए थे, महीने के मंथली जो पैसा हमें घर में खर्चे के लिए ज़रूरत होता है वो मेरे हस्बैंड एक साथ ला के दे देते हैं, क्योंकि 2000-3000 लाओ तो उसका कुछ समझ नहीं पड़ता और बहुत सारे पैसे भी आ जाते हैं। तो मैं बोला कि हमें और किसी के पैसा देना भी है, पता नहीं इस कर्ज़े से कब छुटकारा मिलेगा, लगता है सारी ज़िंदगी कर्ज़े चुकाते चुकाते ही जाएगी हमारी। तो उसी के लिए फिर हमने
देख लीजिए। तो वही मैं हिसाब लिख रही थी कि कितने पैसे लेकर आए हैं आज, तो लिख देते हैं, क्योंकि तारीख डाल के लिख देते हैं ना, कौन से महीने में कितनी तारीख को कितना पैसा लाए हैं, तो हमको याद रहता है। जब हमारा हिसाब होगा ना, तो हमको याद रहेगा कि कब कितना पैसा लेकर आए, वरना हम मुँह खाती तो हम भूल जाते। हम क्या, कोई भी भूल जाते, आप लोग भी भूल ही जाते होगे, क्योंकि नहीं याद रख सकते। और हमारे यहाँ तो 1 साल के बाद पूरा दिवाली पे पेमेंट होता है, दिवाली पे हिसाब होता है, तो हमको लिख के रखना पड़ता है 12 के 12 महीने का, तब 1 साल के बाद पेमेंट का टाइम आता है। तो हम फटाफट से लिख देते हैं और फिर करते हैं अपना काम। तो देख लीजिए फ्रेंड, मैंने लिख दिया है। अब हम चादर को करेंगे गरी, गरी करके रख देते हैं हम सुबह में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे बेड की चादर और तकिए के कवर अलग अलग हैं। हाँ तो नहीं, इसके चादर के साथ, ये पुरानी चादर जो मेरी सासू माँ ने खरीदी थी तभी की है, तो इसके साथ तकिए के कवर नहीं थे, तो क्या करें, दूसरे कवर लगा लेते हैं। हम लोग इतनी मॉडल भी नहीं है कि मतलब जिस जो चादर बिछाएं उसी तरीके का कवर भी लगाएं। तो मोना झाड़ू लगा रही है, क्योंकि अभी दूसरा कुछ काम इमरजेंसी में आ गया है, तो वो हम लोगों को करना है, इसलिए आज फटाफट से हम लोग काम कर रहे थे। तो मोना झाड़ू लगा रही हैं, तो हम नहा चुके थे और बर्तन धो के आ गए। हम बर्तन धोए थे, कपड़े धोने के लिए बाकी है, तो मैंने कहा पहले हम कर लेते हैं चोटी, उसके बाद करेंगे कोई बाकी का काम। तो हमें करना है चोटी, तो हमने अपना कैमरा ऑन कर दिया, लेकिन कैमरे में जो रोशनी है, रोशनी की वजह से बहुत समझ नहीं आ रहा था कि वीडियो कैसा बनाया, कुछ समझ नहीं पड़ रहा था। तो मैंने थोड़ा सा ही वीडियो दिखाकर फिर हमने इसको हटा दिया है, ठीक है। इतना ही है, हम शॉपिंग करने जाएंगे, उसका वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू।